एक तरफ हम सुनते हैं कि भारत रोड्स डेवलपमेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर रहा है। महाराष्ट्र के अमरावती से लेकर अकोला डिस्ट्रिक्ट तक 75 किलोमीटर का हाईवे सिर्फ 105 घंटे और 33 मिनट में बनाकर भारत ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। इवन आज के डेट में भारत में छोटे बड़े सब रास्ते मिलाकर 67 लाख किलोमीटर का टोटल रोड नेटवर्क है। यूएसए की बात करें तो वहां 68,32,000 किलोमीटर और वही चाइना में 52 लाख किलोमीटर का टोटल इंटरनल रोड नेटवर्क है। यानी चाइना को पीछे छोड़कर भारत यूएस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बन चुका है। लेकिन एक तरफ हमें यह भी सुनने को मिलता है कि आउट ऑफ 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड भारत रोड एक्सीडेंट डेथ्स में भी नंबर वन पर है। इंडिया में हर एक घंटे 53 रोड क्रैशेस होते हैं जिनमें ऑन एन एवरेज 4 मिनट में एक डेथ होती है। यानी हर घंटे ऑन एन एवरेज एक्सीडेंट की वजह से 15 लोगों की डेथ होती है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में हर साल 4.5 लाख रोड क्रैशेस होते हैं और उनमें ऑलमोस्ट 1,50,000 लोगों की डेथ होती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। अगर रोड्स इतने अच्छे बन रहे तो इतने एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं और ये जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इनमें एक्चुअल में गलती किसकी है? क्यों भारत में आज भी रोड सेफ्टी एक मेजर इशू है? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। और गाइस ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत रिसर्च करना पड़ता है, डे एंड नाइट काम करना पड़ता है और यहां आपका एक लाइक हमें ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली तो इसे लाइक जरूर करना। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। हम लोग सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड है, यूएसए के बाद हमें। Road accidents caused by potholes led to the death of 5,626 people. Working towards the development of a national highway network of 2 lakh kilometers length. Potholes on Indian roads have become a major threat to life. दिल्ली में हुए एक कॉन्फ्रेंस में नितिन गडकरी जी ने कहा है कि 2013-14 में भारत में 91,287 किलोमीटर के हाईवेज थे, लेकिन 2022-23 में ये लेंथ 1,45,240 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। मतलब 2014 से लेकर 2023 तक यानी सिर्फ 9 सालों में नेशनल हाईवेज की लेंथ में 59% की ग्रोथ हुई है। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई में 397 किलोमीटर रोड बनाने के लिए 6,080 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला था। यानी 1 किलोमीटर रोड बनाने के लिए 15.31 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इस पर जब बाकी पॉलिटिशियंस आदित्य ठाकरे और अजित पवार ने आवाज उठाई तो इस पर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि इतना खर्चा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो सीमेंट कंक्रीट के रोड बना रहे हैं। लेकिन जहां तक मुझे पता है, गवर्नमेंट अगर सीमेंट कंक्रीट की जगह बिटुमिन यानी कि डांबर का यूज करती है तो 1 किलोमीटर रोड बनाने के लिए ऑन एन एवरेज 1-2 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। तो फिर गवर्नमेंट सीमेंट कंक्रीट के रोड्स पर इतना पैसा फूंकने की जगह डांबर के रोड क्यों नहीं बनाती? वेल, इसको इन डेप्थ समझने के लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। लेट्स अज्यूम ये है पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे एंड इमेजिन इसकी लेंथ 150 किलोमीटर। So, 150 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाने के लिए गवर्नमेंट अगर ब्यूटेमिन मटेरियल यूज करती है तो पर किलोमीटर मोटा मोटा 2 करोड़ रुपीस भी पकड़ कर चले तो ये रोड बनाने के लिए गवर्नमेंट को 300 करोड़ का खर्चा लगेगा। और वही इसी रोड को बनाने के लिए अगर गवर्नमेंट सीमेंट कंक्रीट मटेरियल यूज करेगी तो ऑन एन एवरेज अगर हम 15 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से भी पकड़े तो इट विल कॉस्ट अराउंड 2250 करोड़ रुपीस। अब ये सीमेंट कंक्रीट रोड ऊपर से देखने में तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है एज कम्पेयर टू ब्यूटेमिन रोड्स। लेकिन अब आगे जो ट्विस्ट आने वाला है दैट विल गोना शॉक यू। राजन शाह जो एक गवर्नमेंट सिविल कॉन्ट्रैक्टर और एक बहुत बड़े बिल्डर है, उन्होंने कहा है कि ब्यूटेमिन रोड्स का लाइफ स्पैन 3-5 साल का होता है और वही सीमेंट कंक्रीट रोड का लाइफ स्पैन 100 साल या उससे भी ज्यादा होता है। इवन बॉम्बे चौपाटी और नरीमन पॉइंट के बीच का जो सीमेंट कंक्रीट रोड है वो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम यानी कि 1914 में बनाया गया था जो आज भी एक्सलेंट कंडीशन में है। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर कैलकुलेशंस। अगर हम ब्यूटेमिन रोड का लाइफ स्पैन 4 इयर्स भी अज्यूम करते हैं तो 100 इयर्स में इस रोड को 25 बार रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। एंड एज वी नो 150 किलोमीटर ब्यूटेमिन रोड को एक बार बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। So according to this calculation, इस रोड को 25 बार बनाने के लिए 7,500 करोड़ रुपए लग जाएंगे। And on the other hand, 150 किलोमीटर सीमेंट कंक्रीट रोड को 2250 करोड़ रुपए लगाने के बाद अगले 100 साल तक उसको देखने की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा ब्यूटेमिन रोड्स के बहुत सारे नुकसान हैं जिसे हम लोग फेस कर रहे हैं। हेवी ट्रैफिक, मॉनसून रेन्स, इवन टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से ब्यूटेमिन रोड्स में क्रैक्स आते हैं और पॉटहोल्स बन जाते हैं। अब इसके मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का खर्चा भी गवर्नमेंट को अपनी जेब से देना पड़ता है। बिजनेस स्टैंडर्ड्स की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ब्यूटेमिन रोड के पर किलोमीटर मेंटेनेंस के लिए ऑन एन एवरेज 50,000 रुपए का खर्चा आता है। नाउ अगेन इफ वी कैलकुलेट दिस वी विल गेट टू नो कि हमारे 150 किलोमीटर के पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे को अगर हम 4 साल में सिर्फ एक बार ही रिपेयर करते हैं तो इस हिसाब से 100 साल में इस रोड की मेंटेनेंस कॉस्ट ही 18,75,00,000 के ऊपर चली जाएगी। एंड इन केस ऑफ कॉन्क्रीट रोड देयर इज मिनिमल मेंटेनेंस जो ना के बराबर होता है। सो फाइनली हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम हमारे पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे की ब्यूटेमिन मटेरियल वर्सेस सीमेंट कंक्रीट मटेरियल की कॉस्टिंग
कॉस्टिंग की बात करें तो वी हैव इनिशियल कॉस्ट ऑफ 150 किलोमीटर ब्यूटामिन रोड दैट इज 300 करोड़ प्लस रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट दैट इज 7500 करोड़ प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट दैट इज अराउंड 18 करोड़ व्हिच इज इक्वल टू 7818 करोड़ रुपीस। ये है ब्यूटामिन यानी कि डांबर के रोड के प्राइस जिसमें हमने बढ़ती महंगाई को तो पकड़ा ही नहीं है। नाउ लेट्स कैलकुलेट द प्राइस ऑफ सीमेंट कंक्रीट रोड। इनिशियल कॉस्ट ऑफ 150 किलोमीटर कंक्रीट रोड इज 2250 करोड़ रुपीस प्लस रिकंस्ट्रक्शन इज जीरो क्योंकि कम से कम 100 साल तक कंक्रीट रोड डैमेज ही नहीं होता प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट इज आल्सो वेरी मिनिमल बट स्टिल हम मान के चलते कि 10 करोड़ रुपए मेंटेनेंस में लग गए। फिर भी सीमेंट कंक्रीट रोड की टोटल कॉस्टिंग 2260 करोड़ रुपए ही हो रही है व्हिच शोज कि शॉर्ट टर्म में भले ही ब्यूटामिन रोड्स अफोर्डेबल दिखते हैं बट लॉन्ग टर्म के लिए सीमेंट कंक्रीट रोड्स आर ऑलवेज बेस्ट चॉइस। इस ग्राफ को ध्यान से देखना। 2012 से लेकर 2023 तक नेशनल हाईवेज के कंस्ट्रक्शन में कंसिस्टेंट ग्रोथ हुई है। 2012 में जहां सिर्फ 76,818 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज थे वही 2023 में ये नंबर 1,44,634 किलोमीटर तक पहुंच गया है। इवन 2014 में पर डे सिर्फ 11 किलोमीटर हाईवे कंस्ट्रक्शन होते थे लेकिन वही 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग ये हाईवे कंस्ट्रक्शन 40 किलोमीटर पर डे के स्पीड पर आ गया है। इंडिया के रोड्स में जो रैपिड डेवलपमेंट हुआ है इसका पूरा क्रेडिट जाता है नितिन गडकरी जी को और उन्होंने ये 5 पावरफुल स्कीम्स यूज करके बनाया है इंडिया को सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। और ये है वो 5 सबसे बड़ी स्कीम्स जिसने इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ रीजन को एक दूसरे से और भी अच्छे से कनेक्ट किया जिससे इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलने लगा। इन 5 स्कीम्स की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस 5 इनिशिएटिव्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1000 से 1500 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स बीओटी मॉडल के अंडर कंस्ट्रक्ट करने का प्लान किया है जो 2023 से 2024 तक कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन वेट, भला ये बीओटी मॉडल क्या है? बहुत इजी है, शॉर्ट में समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को एक 100 किलोमीटर का हाईवे बनाना है तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को एज एन इन्वेस्टर उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर लेती है। अब ये इन्वेस्टर फॉर एग्जांपल 1500 करोड़ रुपए खर्च करके 100 किलोमीटर का हाईवे बना लेता है लेकिन इसमें उस इन्वेस्टर का क्या फायदा? So listen, जो भी कॉन्ट्रैक्टर उस रोड को बना रहा है वो गवर्नमेंट के साथ एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए फॉर एग्जांपल 20 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और फिर उन 20 सालों के लिए उस हाईवे पर टोल नाका लगाकर अपना पैसा वसूल कर लेता है। और जब ये 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो उस हाईवे की पूरी ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। इसे ही बीओटी यानी कि बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल कहते हैं। वीडियो के इस पार्ट तक आप समझ गए होंगे कि कैसे भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में रैपिडली ग्रो कर रहा है लेकिन जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी कहा था कि भारत एक्सीडेंट्स के मामले में भी काफी आगे है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अगर कहीं पर भी रोड एक्सीडेंट होता है तो हमारे मुंह से सबसे पहले गवर्नमेंट के लिए गाली निकलती है। सो देखो 1988 में गवर्नमेंट ने मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल पास किया था। इस बिल में गवर्नमेंट ने रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रेगुलेशन को लेकर ड्राइवर लाइसेंसिंग, इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल टैक्सेस एंड फीस, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, ट्रैफिक रूल्स और ऐसे कई सारे रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए थे। इवन 15 जुलाई 2019 को इस बिल को अमेंड करके इस बिल में और कुछ प्रोविजंस भी ऐड किए गए थे लाइक वेयरिंग सीट बेल्ट एंड हेलमेट को कंपलसरी किया गया था। इवन जो एजेंसीज या कॉन्ट्रैक्टर्स या कंसल्टेंट्स व्हीकल की डिजाइन या रोड्स को मेंटेन करने में फेल हो गए उनसे 1,24,000 रुपए की पेनल्टीज चार्ज की गई थी और इवन मार्केट में जो अनसेफ व्हीकल्स थे उन्हें रिकॉल भी किया गया था। मोटा मोटा मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रही है लेकिन फिर भी भारत एक्सीडेंट्स के मामले में टॉप पर क्यों है? गवर्नमेंट के इतने एफर्ट्स के बाद भी एक्सीडेंट्स कम क्यों नहीं हो रहे? इस मामले में असली गलती किसकी है? अगर आप 2020 का ये डेटा देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि भारत में 2020 में टोटल 3,66,138 रोड एक्सीडेंट्स हुए थे जिनमें 3,48,279 लोग इंजर्ड हुए थे और 1,31,714 लोगों की डेथ हुई थी। इस नंबर को अगर आप और ध्यान से देखोगे तो फर्दर यू विल गेट टू नो कि इन 1,31,714 डेथ्स में से 3,099 डेथ्स रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से, 476 डेथ्स सिग्नल को तोड़ने की वजह से, 1,862 डेथ्स ड्रंकन ड्राइविंग की वजह से और 1,00,000 से भी ज्यादा डेथ्स ओवर स्पीडिंग की वजह से हुई है। विच शोज कि गवर्नमेंट ने ट्रैफिक को लेकर एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बना दिए लेकिन हम ही है जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते। रोड एक्सीडेंट्स के पीछे, ट्रैफिक रूल्स वायलेट करने के पीछे मुझे लगता है कि एक और रीजन ये भी है कि हमारी कंट्री में ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करने पर ज्यादा फाइंस नहीं है। आपको मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। जब मैं दुबई गया हुआ था तो गलती से मेरे ड्राइवर से रेड सिग्नल जंप होने वाला था, मतलब हुआ भी नहीं था, जस्ट होने वाला था। तो उस मोमेंट आई नोटिस कि वो ड्राइवर कुछ ज्यादा ही पैनिक हो गया और जब मैंने उसको रीजन पूछा तब उसने बताया कि अगर उस
से गलती से भी ये सिग्नल जंप हो जाता तो उसे 1000 दिरहम यानी कि 22000 इंडियन रुपीस का फाइन लग जाता, और आगे फ्यूचर में अगर ये गलती उससे रिपीट हो जाती है तो उसे डबल फाइन भरना पड़ता। इवन दुबई में बाकी ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करने पर भी बहुत ज्यादा फाइन भरने पड़ते हैं। लाइक वहां पर कोई बंदा अगर स्टेट परमिशन के बगैर रोड पर आके रेसिंग करता है तो उसे 1,00,000 दिरहम यानी कि ऑलमोस्ट 22,00,000 इंडियन रुपीस का फाइन भरना पड़ता है। अगर कोई बंदा फुटपाथ के ऊपर से बाइक चलाता है तो उस पे ऑलमोस्ट 11,00,000 रुपए का फाइन लगाया जाता है। और हमारे यहाँ पे ये हाल है। इवन वहां पर व्हीकल को मॉडिफाई करने पर भी 6,000 दिरहम यानी कि करीब करीब 1,35,000 रुपए का फाइन भरना पड़ता है। तो इससे होता ये है कि गवर्नमेंट का तो छोड़ दो, बंदा खुद से ही अलर्ट रहता है क्योंकि उसको पता है कि भाई गलती से भी अगर उससे रूल्स वायलेट हो जाते हैं तो तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। वरना हमारे यहाँ के लोगों को तो पता है कि रूल्स ब्रेक करने पर भी क्या ही होगा, क्योंकि भले ही लॉज के अकॉर्डिंग इंडिया में लाइसेंस के बिना ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपए की पेनल्टीज, स्पीड लिमिट क्रॉस करने पर 4,000 रुपए, सिग्नल तोड़ने पर 1,000 से लेकर 5,000 रुपए तक, और ड्रंक एंड ड्राइविंग पर 10,000 रुपए की पेनल्टीज लगाई जाती है, लेकिन क्या सच में रूल्स के वायलेशन पर लोग इतनी पेनल्टीज भरते हैं या फिर ट्रैफिक पुलिस भी स्ट्रिक्टली ये पेनल्टीज वसूल करती है? मैं तो कहता हूँ कि महेश बाबू की ये मूवी डैशिंग सीएम भारत में ट्रैफिक रूल्स को लेकर ये जो सीन दिखाया गया है उसे गवर्नमेंट ने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना चाहिए। इस पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना। नाउ अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस एक्सीडेंट्स, इन केस अगर कोई एक्सीडेंट पॉट होल्स की वजह से होता है तो आप गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हो क्योंकि वो पॉट होल्स फिल करना गवर्नमेंट का काम है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में 2021 में सिर्फ पॉट होल्स की वजह से 3,625 एक्सीडेंट्स हुए थे जिनमें 1,481 लोगों की डेथ हुई थी और 3,103 लोग इंजर्ड हो गए थे। अगर इन पॉट होल्स को गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम रिपेयर किया होता तो शायद ये एक्सीडेंट्स ना होते। सो नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो, नो डाउट रोड सेफ्टी एंश्योर करना गवर्नमेंट का काम तो है ही, लेकिन इंडिविजुअली हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम रोड सेफ्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट ना करें, क्योंकि इन सब चीजों के लिए जितने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है उतने ही रिस्पॉन्सिबल मैं और आप भी है। आपको हमारी ये इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर की सीरीज कैसी लग रही है कमेंट्स में जरूर बताओ, और हमारा इस सीरीज का पिछला वीडियो मुंबई एयरपोर्ट पर है उसे भी जरूर चेकआउट करना।